इनविजिबल मैन चैप्टर 10 हिंदी समरी। कुछ दिन बाद आइपिंग में सब कुछ सामान्य होने लगा, पर मिस्टर सैंडी वेजर और मिस्टर जेफर्स उस घटना को भूल नहीं पा रहे थे। वह सदमे में थे। तभी आइपिंग में एक और आदमी आता है, पर लोग उसे पहचान लेते हैं। वह मिस्टर मार्वल था। शुरू में वह उस सराय में जाने को तैयार न था, पर वह वहाँ जाता है। पूरे समय मिस्टर हक्स्टर उस पर नज़र रखते हैं। मिस्टर हक्स्टर का शक सही था। मिस्टर मार्वल एक चोर था और वह कुछ किताबें लेकर भाग रहा था, और मिस्टर हक्स्टर उसके पीछे चोर चोर कहकर भाग रहे थे। पर बीच में ही वह किसी चीज़ से टकराकर गिर पड़ते हैं और वह मिस्टर मार्वल भागने में कामयाब हो जाता है। चैप्टर 11। अब लेखक पाठकों को फ्लैशबैक में ले जाते हैं। उस घटना के बारे में जिक्र करते हैं जब मिस्टर मार्वल चोरी कर भाग रहा होता है। उस वक्त मिस्टर कस और मिस्टर बंटिंग अदृश्य आदमी के कमरे में जांच पड़ताल कर रहे थे। तभी उन्हें 3 महत्वपूर्ण डायरियां मिली, पर वह डायरियां किसी कोड भाषा में थीं, इसलिए कोई उन्हें पढ़ ही नहीं पा रहा था। मिस्टर कस को आभास हुआ कि वह ग्रीक भाषा में लिखा है, और मिस्टर बंटिंग को एक ज़माने में ग्रीक भाषा आती भी थी, पर अब वह सारी ग्रीक भाषा को भूल चुके थे। वो लोग जांच पड़ताल कर ही रहे थे कि कोई वहाँ आ गया। उन्होंने सोचा कि कोई नाविक होगा, पर वह मिस्टर मार्वल थे और वह अपने साथ अदृश्य आदमी को भी ले आए थे। मिस्टर बंटिंग कह रहे थे कि उन्हें अदृश्य आदमी जैसी किसी भी कहानी पर यकीन नहीं है, वह किसी जादूगर का काम होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड